वन वेलकम टू माय चैनल तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है हु इज ऑब्सेस्ड ओवर यू और उनके थॉट्स तो कौन जो है ऑब्सेस थॉट्स आपके लिए रख रहे हैं तो ये जो है एक कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है कुछ चीजें आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करेंगी कुछ चीजें आपकी सिचुएशन से नहीं भी रेजोनेट करेंगी आप उसे एज इट इज छोड़ सकते हैं अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें और हाँ आइकन को जरूर ऑल पर प्रेस करें जिससे आपको सही समय पर नोटिफिकेशंस मिल पाए और आप कंटेंट को इंजॉय कर पाए अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो चलिए देखते हैं किस तरीके तो पहला कार्ड आ रहा है फाइव ऑफ वन ओके नेक्स्ट आ रहा है सेवन ऑफ वनस नेक्स्ट आ रहा है टेन ऑफ वर्नस अभी मैं आपको बताती हूँ सिचुएशन नेक्स्ट आ रहा है पेज ऑफ वनस नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ वॉन्ट्स सब वॉन्ड्स वाली एनर्जी आई है फायर एलिमेंट यहाँ पे ज़्यादा है और एरीज लियो सेजिटेरियस हैवी है यहाँ पर तो यहाँ पे किसी से आपका कॉन्फ्लिक्ट हुआ है नो no कॉन्टैक्ट वाली सिचुएशन है यहाँ पे बाउंड्रीज क्रिएट करी गई हैं या फिर जो है आ, कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ है एक दूसरे की तरफ बातचीत नहीं हो रही है और बातचीत करने की इच्छा है बहुत सारी सिचुएशन जो कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है वो क्रिएट हुई होगी उस चीज़ का भार जो है वो मन के ऊपर है या बर्डन जो है आप लोग कैरी कर रहे हो या आप कर रहे हो या ये इंसान कर रहे हैं और उनके मन में हमेशा से आपकी तरफ एक एक्शन ओरिएंटेशन या कह सकते हैं न्यू शुरुआत करने की इच्छा है तो ये जो है अभी कार्ड्स और निकाल लेती हूँ फिर मैं आपको बताती हूँ हम्म सेवन ऑफ सॉर्ड्स है टेन ऑफ कप्स है नाइट ऑफ कॉइंस वो एनर्जी है और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर एक्चुअली तीन आए हैं एस ऑफ शॉर्ट आया है टावर कार्ड आया है और क्वीन ऑफ हॉन्स भी आया है मैं तीनों को इकट्ठे ही ले रही हूँ और एक और कार्ड निकालते हैं नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ कप्स हम्म तो ज्यादातर जो लोग हैं जो ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें जो है ये ही आ रहा है कि ये आपके एक्स पार्टनर हैं या एक्स लवर हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हुई हैं सेवन ऑफ शॉर्ट्स भी आया है कुछ चीज़ें छुपाई गई हैं आपको नहीं बताई गई है लिटरली नहीं बताई गई है जिसकी वजह से आप दोनों में झगड़ा हुआ होगा लड़ाई हुई होगी किसी का बाहर का इन्फ्लुएंस होगा थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है हालांकि सबसे रेजोनेट नहीं करेगी और यहाँ पर जो है अच्छा खासा कोई रिलेशनशिप या बॉन्डिंग जो है वो क्रिएट हुई थी लेकिन उसमें जो है गलत इंटेंशन गलत शब्द गलत तरीके का एक्शन लोगों को इन्वॉल्व करना गॉसिप बर्डन क्रिएट करना गलत शब्द यूज करना एक दूसरे की डिसरिस्पेक्ट करना इंसल्ट करना बिट्रेड फील करवाना ये सब हुआ है उसकी वजह से आप दोनों अलग हुए हो तो यहाँ पे ज्यादातर केसेस में जैसे मैंने पहले भी कहा ये आपके एक्स पार्टनर और एक्स लवर हो सकते हैं और ये आपके लिए ऑब्सेसिव थॉट्स रख रहे हैं यहाँ पर जो है उनके मन में यही चीज है कि सब चीजें जो है बहुत ज्यादा जैसे अह लीजिए डोमिनो इफेक्ट होता है अगर जिसको नहीं पता है तो मान लीजिए आप बहुत सारे ढेर सारे पत, जो पत्ते हैं वो जो है आपने रख रखे हैं और एक पत्ते को आपने हिलाया और सब गिर जाते हैं डोमिनो इफेक्ट होता है अगर नहीं समझ आ रहा है तो आप गूगल पर सर्च भी कर सकते हैं डोमिनो इफेक्ट का मतलब यही होता है तो यहाँ पे सिचुएशन ऐसी ही हुई है कि एक छोटी सी गलती की वजह से सारी जितना भी रिलेशनशिप था जितनी बॉन्डिंग थी सब क्रिएट जो है वो खत्म हो गई ध्वस्त हो गई और यहाँ पे टावर का कार्ड है झूठ बोला गया है छुपाया गया है और आपको झूठ बोलना या छुपाना चीजों को पसंद नहीं होगा और अपने पूरी पावर में आके जो है सब कुछ जो है वो खत्म कर दिया है नो कॉन्टेक्ट वाली सिचुएशन है यहाँ पे टेन ऑफ कप्स भी है एस ऑफ कप्स भी है, ऐसा नहीं था कि उनके मन में लगाव नहीं था प्यार नहीं था या आपके मन में लगाव नहीं था प्यार नहीं था फीलिंग्स की को यहाँ पे कोई कमी नहीं थी लेकिन एक्शंस में जो है एक तरीके से कहा जाए कि स्कैम किया गया है घोटाला किया गया है पॉलिटिकल अगर आ, लैंग्वेज में कहा जाए कि इधर का उधर करना है और इस तरीके से किया गया है हाथ की सफाई दिखाने की कोशिश करी गई है जो कि पकड़ी गई है और लास्ट में स्ट्रेंथ का कार्ड आया तो यहाँ पे जो है लियो एनर्जी भी हो सकती है आपकी तो जो व्यूअर है उन्होंने जो है बिल्कुल कट ऑफ है आपने अपनी पूरी पावर दिखाई है जिसकी वजह से आप लोगों में अलगाव हुआ है और आप दोनों ही जो है कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि आप लोग मिस नहीं करते हो लेकिन आप समझदार हो तो आपको ये है कि अगर आपने मुझसे झूठ बोला है या आप जो है मेरे से गेम्स खेलना चाहते हो तो फिर मुझ में जो है कोई भी कैपेसिटी नहीं है और मैं जो हूं आपसे कोई डील नहीं करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ तो इस तरीके की यहाँ पे सिचुएशन है तो चलिए देख लेते हैं उनके तरफ से कुछ और कार्ड्स वो और क्या चाहते हैं या क्या गाइडेंस है या क्या उनके मन में है ग्रोथ Humor, empathy, and regret. Hmm. पर्सन को जो आपके एक्स पार्टनर है या एक्स लवर है वो जो है काफी हद तक रिग्रेट फील करते हैं क्योंकि वो पास्ट को चेंज नहीं कर सकते नेक्स्ट है यहाँ पे एम्पति आई एम ओपन टू सी बोथ साइड्स ऑफ सिचुएशन तो सिचुएशन को जो है वो दोनों तरफ से वो देखना चाहते हैं यहाँ पे लव फील करवाया भी था लव फील करा भी था लेकिन उसके बावजूद जो है यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि एक्शंस की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हुई है इस वजह से जो है आप दोनों में पूरा कंफ्लिक्ट आ गया है और आप एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते हो खासकर व्यूअर जो है वो शक्ल नहीं देखना

चाहते हो तो चलिए देख लेते हैं कुछ लव कार्ड्स क्या कहना चाहते हैं वो पहला ये आया है और नेक्स्ट ये आया है और एक और ले लेते हैं हम्म तो यहाँ पे ऐसी सिचुएशन लग रही है कि फेमिनिन को जो है वो कहीं ना कहीं धोखा मिला है या कुछ छुपाया गया है इंसल्टिंग फील करवाया गया है जो उनकी डिग्निटी या जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उसके खिलाफ थी और इस वजह से आप दूर हुए हो चलिए देख लेते क्या आता है वेन यू पास फ्रॉम दिस वर्ल्ड यू टेक नथिंग विद यू बट योर सोल एंड द मेमरीज यू हैव शेयर विद दो यू लव तो यहाँ पर जो है मेमरीज़ क्रिएट हुई थी मेमरीज़ आज भी आपके साथ है उनके साथ भी है लेकिन बहुत सारी गलतियाँ करी हैं उन्होंने इस वजह से आपने उन्हें छोड़ा होगा नेक्स्ट आ रहा है इट इज़ इम्पोर्टेंट राइट नाउ टू टेक अ स्टेप बैक एंड स्पेंड सम टाइम अलोन्स इंस्टेड ऑफ प्लेसिंग योर फोकस ऑन अनदर नाउ इज द टाइम टू गिव टू योर सेल्फ तो आप अपना टाइम जो है वो पूरी तरीके से अपने ऊपर लगा रहे हो उनके मन में ऑब्सेसिव थॉट्स हैं आपके लिए वो आपकी लाइफ में आना चाहते हैं लेकिन आपका कोई भी विचार ऐसा नहीं है नेक्स्ट आ रहा है द की टू इनर पीस एट टाइम्स वी मस्ट एक्सेप्ट थिंग्स एज दे आर देयर इज नो पॉइंट ट्राइंग टू चेंज दैट व्हिच इज बियॉन्ड आवर कंट्रोल तो एक्सेप्टेंस आपने कर ली है आप जो है ना पास्ट को देखना चाहते हो ना इस इंसान को देखना चाहते हो ना ही कुछ चेंज करना चाहते हो ना ही कुछ कंट्रोल करना चाहते हो आप अपनी लाइफ में जो है जिस तरीके से पीसफुल तरीके से रहना चाहते हो आप वो रह रहे हो और आगे बढ़ना चाहते हो तो चलिए देख लेते हैं उनकी तरफ से कुछ मैसेजेस आपके लिए पहला आ रहा है आई होप द फ्यूचर विल ब्रिंग अस टूगेदर तो वो आपसे रिकनसाइल करना चाहते हैं नेक्स्ट आ रहा है वी कैन बिल्ड समथिंग स्पेशल टुगेदर उनको ऐसा लगता है नेक्स्ट आ रहा I remember every detail of that day, है आई रिमेंबर एवरी डिटेल ऑफ दैट डे और नेक्स्ट है आई स्टॉक योर सोशल मीडिया तो आपके सोशल मीडिया को वो स्टॉक करते हैं नेक्स्ट आ रहा है योर इंटेंसिटी फ्राइटेंस एंड अल मी ऑल एट द सेम टाइम नेक्स्ट आ रहा है आई वरी अबाउट आर डिफरेंसेस यू एंड मी कम फ्रॉम डिफरेंट वर्ल्ड बट माई हार्ट सेज़ गो फॉर इट और नेक्स्ट आ रहा है आई मिस यू आई वॉन्ट टू सी यू सो मच नेक्स्ट है आपके लिए डेडिकेशन ट्रस्ट रिलायबिलिटी और नेक्स्ट आ रहा है आई फील आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू तो उनको ऐसा लगता है कि वो आपकी तरफ अट्रैक्टेड फील करते हैं तो so, चलिए देख लेते हैं कुछ यहाँ पे आपके लिए एडवाइस क्या आ रहा है आपके लिए स्ट्रेंथ यू आर बीइंग गाइडेड बाय द कॉस्मो स्टे स्ट्रॉग एंड पॉजिटिव आउटकम इज एश्योर्ड तो यहाँ पे स्ट्रेंथ है यहाँ भी स्ट्रेंथ है यहाँ भी स्ट्रेंथ है आप अपने ऊपर स्ट्रेंथ करके जो रखा है आपने या आप इतना ज़्यादा रिजिलियंट पावर दिखाई है वो आपने अच्छा किया है और आप पॉजिटिव आउटकम की तरफ ही जा रहे हो नेक्स्ट आ रहा है सरेंडर सरेंडर योर नीड टू कंट्रोल द आउटकम जस्ट बी विद लाइफ इन देयर प्रेजेंट मोमेंट तो आप अपनी लाइफ में सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट क्रिएट कर रहे हो और उसको अच्छी तरीके से जी रहे हो और अपनी लाइफ को आगे बढ़ा रहे हो तो चलिए देख लेते हैं इस एनर्जी सिलेटर को चाम्स यहाँ पर एक ड्रैगन फ्लाई आई है यहाँ पर एक फेरी आई है और यहाँ पर एक कटर भी आया है आपने अपनी लाइफ में पर्सनालिटी को ट्रांसफॉर्म किया हो और नेक्स्ट आ रहा है फेरी आई है आपके एंजल आपके एंसेस्टर्स जो है वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कि आपके साथ कुछ गलत होगा और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे कटर आया है तो जो भी पास्ट की मेमोरीज हैं पेनफुल मेमोरीज हैं उनको कट ऑफ करके आपको नए सिरे से अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है ना ही उन लोगों को याद करना है और ना ही उस चीज़ का कोई पछतावा रखना है तो चलिए देख लेते हैं कुछ लव सॉन्ग आपके लिए उनकी तरफ से तो पहला आ रहा है मैया मेनू जर्सी मूवी का है नेक्स्ट आ रहा है तू जरूरी जिद मूवी का है देख लेना कौन सा गाना है नेक्स्ट आ रहा है हल्का हल्का आ, फने खान का तो इस तरीके गाने जो है वो आपको डेडिकेट करना चाहते हैं तो ये थी आपकी रीडिंग उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी अगर आपको मेरा कंटेंट रीडिंग और अच्छी लग रही है तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें थैंक यू